हेलो फ्रेंड, देखिए रेनी सीजन में सारे प्लांट का ग्रोथ कितना अच्छा है। देखकर तो मन खुश हो जाता है। फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। देखिए कनेर में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कचनार में भी इस बार भर भर के फूल आ रहे हैं। पिछले बार तो दो चार ही फ्लावर हुए थे फ्रेंड। पिछले बार मैं इसे कटिंग से भी लगाई थी और सीड से भी लगाई थी फ्रेंड। यह बहुत ईजी टू ग्रो है। कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और सीड भी इसके बहुत आसानी से लग जाते हैं फ्रेंड। इसके पत्तियों को देखिए कितना खूबसूरत है, दिल के आकार का बना हुआ है। यह आयुर्वेदिक प्लांट भी है फ्रेंड, इसलिए अपने गार्डन में ज़रूर रेड कीजिएगा। इसके दो तीन कलर होते हैं फ्रेंड, लेकिन मेरे पास सिर्फ वाइट है। ये देखिए बेबी पिंक कनेर, इसमें इसे दुर्गा पूजा के टाइम में इसकी कटिंग लाई थी फ्रेंड। उसके बाद मैं कटिंग लगाई हूँ और यह फर्स्ट टाइम है जो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मेरा तो मन खुश हो गया फ्रेंड, क्योंकि पहली बार यह फ्लावरिंग कर रहा है मेरे गार्डन में और कितना खूबसूरत ये लग रहा है फ्रेंड। मेरे पास एक और कलेक्शन हो गया, यह जान देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है फ्रेंड। मैं आज टेरेस आई थी फ्रेंड कुछ गुलदावदी के और कलेंचू की कटिंग लगाने। फ्रेंड अगर इस समय आप गुलदावदी और कलेंचू की कटिंग लगा लीजिएगा फ्रेंड, तो विंटर में भर भर के फूल देगी। मेरा पसंदीदा फ्लावरों में से एक है गुलदावदी, क्योंकि फ्रेंड यह परमानेंट होता ही है। साथ में एक बार अगर इसकी फ्लावरिंग खिल जाती है फ्रेंड, तो यह महीनों इसी तरह बना हुआ रहता है। और इसमें एक से बढ़कर एक कलर होता है। आप जिस कलर का भी चाहेंगे फ्रेंड, डबल पेटल, सिंगल पेटल और भर भर के फूल देने वाली, छोटा बड़ा सब तरह का इसमें फ्लावर होता। मेरे पास तो 5 कलर था फ्रेंड, अभी मेरे पास 4 कलर है और सबकी मैं अभी कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड। इसके अगर मैं 10 कटिंग लगाऊंगी फ्रेंड, तो 8 तो जरूर ही सक्सेस हो जाएंगे, यहाँ तक कि 10 भी होने के चांस होते हैं। यह बहुत हार्डी होता है। अगर एक बार आपके गार्डन में आ जाए फ्रेंड, तो यह इसी तरह चलता ही रहता है। गुलदावदी कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है फ्रेंड, इसीलिए मैं इसकी कटिंग आज मैं लगा रही हूँ फ्रेंड। देखिए इस तरह की इसकी कटिंग लेना है फ्रेंड, और नीचे की पत्तियाँ सबको हटा देना है। जब इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी तो फ्रेंड मैं कुछ अपनी फ्रेंड को दूंगी, कुछ नेवर को दे दूंगी फ्रेंड। इसमें कलर के कारण ही मुझे बहुत ही ये पसंद आता है फ्रेंड। आप भी ज़रूर इसे अगर आपके गार्डन में नहीं है तो ज़रूर रेड कीजिएगा। मैं तो चाहती हूँ कि हर साल मैं न्यू कलेक्शन कलर का प्लांट यूज़ करूँ और रंग बिरंग फूलों से भरा मेरा गार्डन रहे। यह मेरा पसंदीदा फूलों में से एक है फ्रेंड। अब मैं इसकी पत्तियां हटा के आपको बताती हूँ फ्रेंड, क्योंकि एक हाथ से मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो। देखिए फ्रेंड सबकी पत्तियां मैं हटा ली हूँ। इस तरह करके सबकी पत्तियां, नीचे की पत्तियां हटा देना है, सिर्फ ऊपर के दो चार पत्तियां को ही रखना है फ्रेंड। अब इसी तरह मैं कलेंचू को भी की हूँ फ्रेंड, कलेंचू को भी कटिंग कर ली हूँ फ्रेंड और नीचे की सारी पत्तियां को हटा ली हूँ। अब इसमें एलोवेरा जेल लगा लेना है इसकी कटिंग में और सबको लगा देना है फ्रेंड। ये बहुत ईजी टू ग्रो है फ्रेंड और इतना हार्डी होता है कि आसानी से ये लग भी जाता है फ्रेंड। अगर इसके 8-10 कटिंग में लगाऊंगी फ्रेंड, तो देखिएगा सारे के सारे चल पड़ते हैं। हो सकता है एक दो कटिंग ख़राब भी हो जाए फ्रेंड, लेकिन ये अधिकतर चलने वाला प्लांट है फ्रेंड। अगर अभी से मैं इसकी कटिंग तैयार कर लूँगी फ्रेंड, तो विंटर में बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे और सब में फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। देखिए फ्रेंड मैं कितनी सारी कटिंग लगा ली हूँ। देखिए कलेंचू की भी कटिंग, इसमें 5 कटिंग है फ्रेंड। उसके बाद 2 कटिंग मेरा बच गया फ्रेंड, अब न्यू दूसरे पॉट में लगाऊंगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड यह है दूसरे कलर का कलेंचू का कटिंग मैं लगाई हूँ फ्रेंड, इस पॉट से मैं लगाई हूँ फ्रेंड। इसको फिर मैं शेडी एरिया में रख दूँगी फ्रेंड। इसमें बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बारिश के पानी से यह तुरंत ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं इसे सीढ़ी के पास रख दूँगी। बाकी ये सब जितने भी गुलदावदी के प्लांट है फ्रेंड, मैं इसे ऐसे भी रख दूँगी, फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं इसे ऐसे, अगर आपके तरफ फ्रेंड धूप है तो इसे शेडी एरिया में रखिएगा, वरना अगर मौसम ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। देखिएगा फ्रेंड कुछ ही दिनों में इसमें कितनी अच्छी रूट बन जाएगी फ्रेंड। कुछ दिनों बाद मैं इसका अपडेट ज़रूर आपको दूंगी फ्रेंड। हाइब्रिड कलेंचू के मेरे पास 2 और कलर थे फ्रेंड, लेकिन गर्मी से मेरे ख़राब हो गए, अब 2 ही कलर बचे। इसी से मैं बहुत सारे कटिंग तैयार कर लूँगी फ्रेंड। अभी बेस्ट टाइम है ये दोनों का कटिंग तैयार करने का फ्रेंड, अभी कर लीजिएगा, तब विंटर में आपको फूलों की कमी नहीं होगी फ्रेंड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।